जागतिक महिला दिनानिमित्त रोटरी क्लब ऑफ पुणे लोकमान्य नगर यांच्या वतीने महिलांवरील अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी आणि महिलांच्या न्याय हक्कासाठी पुणे येथून पेडल फॉर चेंज या सायकल यात्रेची माहिती देण्यात आली आहे. पाहूयात. नमस्कार. आज आपल्यासोबत रोटरी क्लब ऑफ पुणे लोकमान्य नगरच्या अध्यक्षा वासवी मुळे जी आहेत. आज विशेष म्हणजे त्यांनी महिला विरोधात होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराबद्दल एक महत्वाची रॅली, सायकल रॅली काढलेली आणि म्हणजे आयोजित करण्यात आलेली आहे. या रॅलीत महत्वाचे म्हणजे 20 सायकलिस्ट सहभागी होणार आहेत. त्यात महत्वाचं म्हणजे हे सायकलिस्ट अगदी नवीन आहेत. ते त्यांनी महत्वाचं म्हणजे त्यांनी कुठलाही प्रशिक्षण या अगोदर सायकल मोठी एवढ्या प्रकारची मोठी रॅली त्यांनी कधी सहभाग घेतलेला नाही. तरी पण या विशेष मोहिमेत जे महिला विरुद्ध अत्याचार होतात या मोहिमेत या अत्याचाराला एक तिढा छेडण्यासाठी त्यांनी ही सायकल रॅली काढली आयोजित करण्यात आली. त्याबद्दलची पुढील माहिती वासवीजी मॅडम वासवी मॅडम आपल्याला देते. नमस्कार. मी वासवी मुळे अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ पुणे लोकमान्य नगर. रोटरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट NGOs इन द वर्ल्ड आणि त्याच्यापैकी आमचं डिस्ट्रिक्ट आहे डिस्ट्रिक्ट 3131. त्याच्यापैकी आमचा एक क्लब आहे रोटरी क्लब ऑफ पुणे लोकमान्य नगर ज्याचे मी अध्यक्ष आहे. आणि आम्हाला हे फार गर्व होतोय की आज आमचे माझे अध्यक्ष भूपेंद्र सिंग राठोड त्यांची ही कल्पना आहे की आपण महिला विरुद्ध जे अत्याचार होतात त्याच्यासाठी त्याच्या अवेअरनेससाठी त्यांनी एक सायकल रॅली काढली आहे आणि ते सायकल रॅलीचं नाव आहे पेडल फॉर चेंज. आणि ह्याच्यामध्ये जे विशेष आहे की कोणीही असं कधी केलं नाही आहे त्यांच्या ग्रुपपैकी. ते आहेत 21 जण आणि ते सगळे 1500 किलोमीटर पुणे ते दिल्ली ते जाणार आहेत. आणि ती सायकल रॅली उद्या सकाळी 6 वाजता पुण्यातून निघणार आहे आणि ते ठिकठिकाणी थांबत थांबत जाऊन हे जे त्यांचं मोहीम आहे जे त्यांचं मेसेज आहे अगेन्स्ट अट्रॉसिटीज फॉर वुमेन दे आर गोइंग टू स्प्रेड द मेसेज. सो ह्याच्याबद्दल जास्त माहिती मी त्यांनाच सांगेन त्याला. मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौर है. मैं रोटरी क्लब ऑफ पुणे लोकमान्य नगर का पास प्रेसिडेंट हूँ एंड मैं राजस्थान से हूँ. मैं बचपन से मैं देख रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी में और आसपास के गांव में काफ़ी दहेज प्रथा का चलन था. थोड़े दिन पहले मैं सिंगापुर गया, दुबई गया और वहाँ के मैं 7-7, 10-10 दिन जब रुका और न्यूज़पेपर देखे तो एक भी खबर ऐसी नहीं थी जो रेप से रिलेटेड हो, एसिड अटैक से रिलेटेड हो या किसी भी तरह की कोई भी महिला के ऊपर अत्याचार से रिलेटेड हो. और मैंने कहा यार इन देशों में एक भी ऐसी खबर नहीं है और भारत के हर एक न्यूज़पेपर में रोज 10 से 15 ऐसी खबरें आ रही है. सो क्या हम लोग इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? तो बहुत सोचने और समझने के बाद सोचा कि यू नो ना तो मैं गवर्नमेंट में हूँ, ना मैं पुलिस में हूँ, ना मैं आर्मी में हूँ. सो क्या कर सकता हूँ? सो क्या मैं एटलीस्ट अवेयरनेस तो कर सकता हूँ? मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बहुत जगह जाता हूँ और बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर कंडक्ट करता हूँ. तो एक ऐसे ही मोटिवेशनल लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बात की तो काफ़ी लोग इससे मोटिवेटेड हुए. 2015 में जब मैंने पहली बार बात की तो 18 महिलाओं ने यह प्रोग्राम अटेंड किया था. उसमें से 11 महिलाएँ बिजनेस वुमेन बनी जबकि वो हाउस वाइफ्स थी. उसके आगे हमने अगले साल फिर से रोटरी क्लब पुणे लोकमान्य नगर ने हमने फिर से ये प्रोग्राम आयोजित किया और 125 महिलाओं ने अटेंड किया और उसमें से करीब 50 महिलाएं जो कि पहले हाउसवाइफ थी बिजनेस वुमेन बनी 125 महिलाओं में से. और लास्ट ईयर हमने करीब 600 महिलाओं को एड्रेस किया. लेकिन इस साल हमने कहा कि क्या हम कुछ और कर सकते हैं क्योंकि हमारे पहले 3 प्रयत्नों से किसी एक लेडी जो कि सुसाइड करने वाली थी उसे वो सुसाइड करने से रुकी. उसके अलावा कुछ और ऐसी महिलाएं थी जो बहुत नर्वस थी, डिप्रेस थी लेकिन उनके अंदर हौसला आया और उन्होंने कुछ करने की कोशिश की. तो हमने कहा इस साल क्यों ना लंबा मैसेज दिया जाए, कम से कम 15-20 दिनों के लिए ये मैसेज दिया जाए, क्यों ना मीडिया के थ्रू ये मैसेज दिया जाए, क्यों ना हमारे साइकिलिस्ट के थ्रू ये मैसेज दिया जाए. और हमने ये साइकिल रैली करने का कोशिश किया जो कि काफ़ी दिन पहले सिर्फ एक ड्रीम था लेकिन कल ये सपने में साकार हो रहा है. कल सुबह 21 साइकिलिस्ट यहाँ से निकल रहे हैं. 21 में से 11 साइकिलिस्ट 60 साल की एज के ऊपर के हैं, यानी 62 साल, 65 साल, 70 साल, इवन 75 साल तक के एज के साइकिलिस्ट हमारे साथ हैं. 2 महिलाएं हमारे साथ साइकिल कर रही हैं. पूरे 15 दिन साइकिल रहेगा, किसी दिन 150 किलोमीटर, किसी दिन 140 किलोमीटर, किसी दिन 120 किलोमीटर और किसी दिन 90 किलोमीटर. सो ये पूरे 15 दिन हम एक ही मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि हर महिला का सम्मान हो.
हर महिला को सम्मान हो, विनती हमारी सशक्त हो नारी, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर देश को सशक्त बनाना है तो महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसी मैसेज को हम फैला रहे हैं, इसी मैसेज के थ्रू हम जा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल के थ्रू करीब 5 लाख लोगों तक ये संदेश जा चुका है। और जब हम ये रैली करेंगे तो रास्ते के जितने भी रोटरी क्लब्स एंड रोटरी डिस्ट्रिक्ट्स एंड इवन जितने भी हमारे फ्रेंड्स और चाहने वाले मिलने वाले लोग हैं वो सब इसमें भागीदार बन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पूरा देश इसमें भागीदार बने, क्योंकि हर बड़े काम की शुरुआत ऐसे ही किसी छोटे एफर्ट से होती है। हम जब बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने हमसे बात किया कि भूपेंद्र ये सिर्फ बोलने से क्या सच में बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो पाएगी। मैंने कहा सर, मैंने पिछले साल 600 महिलाओं का एक प्रोग्राम किया रोटरी क्लब के साथ, एंड जब वो प्रोग्राम हुआ उसमें से एक महिला स्टेज पे आके प्रोग्राम के बाद शेयर करती है कि मैं आत्महत्या करने वाली थी अगर आज ये प्रोग्राम नहीं होता तो, और थैंक यू ये प्रोग्राम ने मुझे नई जिंदगी दी। मैंने कहा लास्ट समय हमने एटलीस्ट एक महिला की जिंदगी बचाई, हो सकता है इस बार हम कम से कम 1000 महिलाओं को तो सशक्त बना पाएं और उनके माइंड में वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन दे पाएं। सो यही हमारा मकसद है। एक और रीजन जिसके कारण ये रैली हो रही है, आज मुझे घर से रात को 11 बजे बाहर जाना है, मुझे कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे घर की एक भी महिला, चाहे वो मेरी बहन हो चाहे मेरी वाइफ हो, उनको 1000 बार पूछने की जरूरत पड़ती है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर होने के कारण, शायद मैं तो फिर भी लिबरल हूँ या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण देर इज़ नो इश्यूज एट ऑल, लेकिन गाँव में एक महिला को जिंदगी भर एक घर में जब वो शादी होकर आती है तो उसके बाद वहीं पे रहने दिया जाता है। छोटी सिटीज़ में, टियर 3 सिटीज़ में ये माहौल है, क्यों उनको फ्रीडम नहीं मिल रही? क्योंकि अगर उनको फ्रीडम मिले तो वो भी कल्पना चावला बन सकती है, वो भी इंदिरा नुई बन सकती है, वो भी किसी भी बड़े देश की प्रधानमंत्री या किसी भी बड़ी कंपनी की इंदिरा नुई की तरह इंदिरा नुई की तरह सीईओ बन सकती है। सो क्यों हम आगे नहीं आने दे रहे? आज 21वीं शताब्दी है, आज महिलाओं को और पुरुषों को काम कंधे से कंधा मिला के करना होगा और दोनों को बराबरी के साथ काम करना होगा, तभी हमारा देश आगे जा सकता है। सो ये हमारा सारा प्रयास है। मैं चाहूँगा कि आप सभी इसी प्रयास में भागीदार बने। आज शाम को हमारा फ्लैग ऑफ सेरेमनी है, एक हमारे रोटरी क्लब ऑफ पुणे लोकमान्य नगर जहाँ पे मीटिंग करता है, और लोकमान्य नगर हेरिटेज और सॉरी रोटरी क्लब ऑफ पुणे हेरिटेज भी हमारे साथ है। तो पहला फ्लैग ऑफ सेरेमनी यहीं से है, दूसरा फ्लैग ऑफ सेरेमनी पिंपरी चिंचवड़ से ऑटो क्लस्टर से है शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में। सो ये दो फ्लैग ऑफ सेरेमनी है, आप अगर पुणे में हैं तो आप जरूर आइए इस प्रोग्राम में। आज हम 8 से 10 महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं, उनको हम आयरन लेडी करके पुरस्कार देने वाले हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी तकलीफें देख के आगे बढ़े। एंड मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि जहां जहां ऐसी महिलाएं आपको दिखे जो कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में रही है या दुनिया ने उन्हें बहुत सताया है या किसी भी तरह की उनको प्रताड़ना दी गई है या किसी भी तरह का हैरेसमेंट या डिप्रेशन में है और उसके बावजूद उन्होंने कुछ अच्छा किया है, ऐसी महिलाओं को आप हमसे कनेक्ट करवाइए ताकि हम उन्हें एटलीस्ट सम्मानित कर सकें, एटलीस्ट हम उनका हौसला बढ़ा सकें एंड उनकी स्टोरी यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या आप जैसे टीवी चैनल्स के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी से एक बार फिर से विनती है कि इस रैली को सपोर्ट कीजिए एंड इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।